कोटा भितर कोटा को नहीं बढ़ला बिवाद सुप्रीमकोर्ट निर्देश एससी एसटी संगठन गुड़िकर विरोध प्रतिवाद रे काली भारत बंद डाकरा बढ़ुछि विभिन्न राजनीतिक दलर समर्थन कोलकाता ट्रेनी डाक्टर दुष्कर्म हत्या मामलें सुप्रीमकोर्ट कड़ा आभिमुख्य पश्चिमबंग सरकार पुलिस और मेडिकल कॉलेज दायित्वहीनता को भर्त्सना गुरुवार सुधा स्टेटस रिपोर्ट दाखल पाई सीबीआई को निर्देश राज्यसभा प्रार्थी घोषणा कला बीजेपी ममता महंत ना मोहर मारे केन्द्रीय नेतृत्व काली दिन 11:30 नामांकन किसी दिन तले राज्यसभा पदर देते इस्तफा बीजेडी छाड़ी बीजेपी में होते सामिल विधानसभा अधिवेशन द्वितीय पर्याय आरंभ हंगामा छात्र संसद निर्वाचन राज्यपाल पुओ प्रसंग में घेरिले कांग्रेस और बीजेडी बारंबार गृह मुलतवी संध्यार स्वाभाविक स्टैंडिंग कमिटी और विभाग रिपोर्ट दाखल सिम बक्सर गुमर खोजुच पुलिस राजू मंडल को झारखंड नहीं चलती खोलता रांची आहरी पांचटी सिम बक्स जबत बांग्लादेशी असदुर जवान को गिरफ्तार इंटरपोल सहायता नेला पुलिस कनक न्यूज्र महाप्रभाव सुंदरगढ़ डीएमएफ खणि महादुर्नीतिर खोलताड़ कर जिला प्रशासन मंत्री निर्देश पर तत्परता देखाइले जिलापा प्रकल्प ना 4000 कोटि अधिक टंका चलु कर घरे घरे थंडा काश व्यापुची ज्वर हस्पिटाल बढ़ुच रोगी भिड़ डाक्तर कहे प्रत वर्ष यह समय देखा मिले वायरल फीवर दुई अधिक दिन ज्वर रही रक्त परीक्षा कराइबा परामर्श काली भारत बंद अनुसूचित जाति और जनजाति संगठन गुड़िक बंद डाकरा एससी एसटी संरक्षण में क्रिमी लेयर को नहीं सुप्रीमकोर्ट राय विरोध में बंद डाकरा दी बंद को समर्थन जनाई कांग्रेस समेत विभिन्न राजनैतिक दल कोटा भितर अधिक पछुआ वर्गों पर सब कोटा व्यवस्था हो संगठन गुड़िक दावी करते कल 12 घंटा पर बंद डाकरा दी तेज बंद रु जरूरकालीन सेवा को बाद दी काली बंद पालन जो परिवहन सेवा बाधाप्राप्त होबार भी आशंका करा जाउछि जो टाइम एससी एसटी संरक्षण विरुद्ध गोटे राय दिखाई वर्गीकरण कर संरक्षण बाबद तेणु आम सर्वभारतीय स्तर में आम विरोध करुछु कारण से ही संरक्षण को जब उठे दि जाए वर्गीकरण कराए तो एससी एसटी लोक मान कौन प्रकार सुविधा सुयोग मिली पाई पारे ना तेणु आम विरोध कर सर्वभारतीय स्तर में आम बंद डाकरा देखे समर्थन करूछ तेज नजर पकड़ा जे से संरक्षण बिवाद क्रिमी लेयर को नहीं कौन रही सुप्रीमकोर्ट राय एससी एसटी मध्य केतेक अधिक पछुआ वर्ग रही राज्य सरकार स्वतंत्र संरक्षण व्यवस्था करतु कोटा भितर अधिक पछुआ वर्गों पर सबकोटा व्यवस्था हो तेबे कोटा भितर सबकोटा दुईट सर्त रखिंट कोर्ट निर्धारित कोटा भितर कौन गोटे जाति को 100% कोटा दिजन संरक्षण पूर्व निर्दिष्ट जातिर भागीदारी केते तार तथ्य संग्रह होतीवाद 21 तारीख में भारत बंद डाकरा दी एससी एसटी संगठन गुड़िक का सका भारत बंद पालन करेंगे बीएसपी भीम आर्मी भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस समर्थन करुछन्ति सुप्रीमकोर्ट रायर पुनर्विचार करंतु बोली दलित संगठन गुड़िकर दाबी रही जरूरकालीन सेवा को छाड़ी परिवहन अन्यान्य सेवा भी प्रभावित हो पारे कोलकाता ट्रेनी डाक्तर को दुष्कर्म हत्या घटन सारा देश आक्रोश देखा मिली किंतु आज सुप्रीमकोर्ट भी कड़ा आभिमुख्य देखाई ममता सरकार को ऊपर बर्षिंट सुप्रीमकोर्ट प्रधान विचारपति डी वाई चंद्रचूड़ अध्यक्षतार गठित तीनजिया खंडपीठ मामलार शुणी कर सीआई को स्टेटस रिपोर्ट देवाक निर्देश देते आ पूरा घटन हस्पिटाल करतृपक्ष भूमिका को नहीं सन्देह प्रकाश कर सुप्रीमकोर्ट मृत्युर 12 घंटा पर कहीं एफआईआर करा प्रश्न कर सुप्रीमकोर्ट डाक्तर को भी कार्य जोगदेक क स्थितिरे सुधार पाई आउ एक दुष्कर्म जाए
देश अपेक्षा करना धाड़िया कथार सुप्रीम कोर्ट का आभिमुख्य जमापड़ी। कोलकाता ट्रेनी डाक्टर को दुष्कर्म और हत्या मामलार शुणी कर खूब कड़ा आभिमुख्य देखा सर्वोच्च न्यायालय। पश्चिमबंग सरकार पुलिस और हॉस्पिटल कर्तृपक्ष को तीव्र निंदा करने एकाधिक प्रश्न करिसेंति कोर्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेजर प्रिंसिपाल कौन करुथिले थाना रे एतला देबारे काहेकि विलंब करागला परिवार सदस्य को काहेकि विलंब रे मृतदेह दिगला हॉस्पिटल रे भंगारुजा होला पुलिस कौन करुथिला पूरा घटन रे हॉस्पिटल कर्तृपक्ष भूमिका को नहीं संदेह प्रकाश करिसेंति सुप्रीम कोर्ट। मृत्युर 12 घंटा पर काहेकि एफआईआर करागला बोली प्रश्न करिसेंति सर्वोच्च न्यायालय। पूरा मामलें पश्चिमबंग सरकार का अवहेला को दायी करने गुरुवार सुधा तदंतर स्टाटस रिपोर्ट दाखल करने को सीबीआई को निर्देश देते। जहां तक अगर आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज की अगर इतिहास को उठा करके देखें तो ये कोई पहली घटना नहीं है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा मामला है जिसमें पूरे देश में आक्रोश है, तो वहां पे इस तरीके की सुरक्षा को करते हुए मद्देनजर देखते हुए काफी कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जब तक एक केस पेंडिंग है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर को अगस्त 9 तारीख से दुष्कर्म पर हत्या कर डॉक्टर को सुरक्षा को नहीं देशव्यापी आंदोलन चलता बेले निज आड़ हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट। प्रधान विचारपति जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ अध्यक्षतार गठित तीन जनिया खंडपीठ अच्छा जस्टिस जेबी पदरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र। पश्चिमबंग सरकार मामला परिचालना करिष्ठ आईनजीवी कपिल सिब्बल। दुष्कर्म और हत्या मामलार तदंत कर सीबीआई यार भितर मेडिकल कॉलेजर पूर्वतन प्रिंसिपाल संदीप घोष को गत 4 दिन रे 53 घंटा जेरा करी। आई थिंक दिस अ वेरी बोल्ड एंड अ वेरी बिग स्टेप टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल डॉक्टर्स एंड दे आर येट टू हियर द स्टेक होल्डर्स। दे हैव वेरियस एप्लीकेशंस फाइल्ड सो आई थिंक ऑल दीज इश्यूज विल बी केटर्ड टू एंड विल बी टेकन केयर ऑफ इन द ऑर्डर नेक्स्ट हियरिंग व्हिच हैपेंस ऑन। सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली ऑर्डर किया कि सेंट्रल फोर्सेस विल प्रोटेक्ट दैट हॉस्पिटल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो सिक्योर नहीं फील करेंगे तो वो काम पे कैसे आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रोवाइड करने बोला सिक्योरिटी टू द डॉक्टर्स। कार्यरत डॉक्टर को सुरक्षा को प्राथमिकता नेशनल टास्क फोर्स गढ़ले सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहिसेंती कार्यरत डॉक्टर को सुरक्षा सर्वप्रथम से एक नेशनल टास्क फोर्स गठन कर कर्तव्यरत डाक्टर को सुरक्षा सुनिश्चित करने को कौन सब पदक्षेप नहीं तीन सप्ताह मध्य अंतरीण एवं दुई मस विस्तृत रिपोर्ट देव एक टास्क फोर्स। ब्यूरो रिपोर्ट कनक न्यूज। सेपटे पश्चिमबंग घटना पर प्रतिक्रिया रखिंट पश्चिमबंग राज्यपाल सीबी आनंद बोस एभली संवेदनशील घटना उपर राजनीति हो से क्षोभ प्रकाश कर पीड़िता किभली न्याय मिल देश देखुची न्याय मिलवाने सुप्रीमकोर्ट आश्वासना देखते घटना किभली आगक आउ न घटव से ने मध्य उद्यम जारी रही। To which Bengal has been pushed into by those in the central power. We are all hopeful justice will be done. That is what the Supreme Court has promised. Let us wait and hope, and we are sure that the wrong things will be undone. People will be able to breathe the fresh air of peace and harmony. ममता महंत हेबे बीजेपी राज्यसभा प्रार्थी। आज ममता ना बीजेपी घोषणा करिछे निकटरे बीजेडी और राज्यसभा सदस्य पदर इस्तफा दे ममता बीजेपी रे शामिल होइथिले। यापर राज्यसभा निर्वाचन पर विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। यापर ममता महंत को पुणी थरे बीजेपी प्रार्थी करिपारे बोली मध्य कल्पना जल्पना प्रकाश पाइथिला। आउ आज ममता ना रे मोहर मारिछि बीजेपी केन्द्रीय नेतृत्व। संख्या दृष्टि बीजेपी आवश्यक सदस्य थिबारु ममता महंत राज्यसभा को जीवा एक प्रकार निश्चित होइछि। निश्चित भाव में खुशी लगुच मत जो भरोसा रखिकिना मत जॉइन करिसंती। मोर गोटे लक्ष्य जे कि लोकंकर सेवा लोकंकर कल्याण एवं ओडिशावासी जो विकास डबल इंजिन सरकार
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जो नीति आदर्श जो उन्नतिमूलक कार्यधारा को समस्ते भल पाउछंती डबल इंजिन सरकार जो अच्छी ओडिशार विकास हम निश्चित भाव विकास हम देखत मु कुणमी समाज को बिलंग करे जे कि ओबीसी वर्गरे अच्छी नट एसटी एवं आम आगु एसटी थिलु आम आंदोलन कुणमी समाज बारंबार 75-74 स्वाधीनता पर आंदोलन करी तेनु से समाज को बिलंग करे ओबीसी कैटेगरी ता सहित जो आमर रही आम मयूरभंज जिला किंबा जो एफटी लोक अच्छा आदिवासी लोक समस्त किपर विकास हम निश्चित भाव में कम कर सरकार मो समाज तथा ओडिशावासी मयूरभंजवासी जो लक्ष्य रही जो समाज सब अच्छा अवहेलित कम कर निश्चित भाव में आशा भरसा रखी भाग्यवान तो निश्चित भाव विजु जनता दल रे थिली 4 वर्ष सुजोग पाई राज्यसभा रे मोर दाबी मोर लोकंकर पाई काम करिवार आपण माने जानिथे प्रथम थररु जो मु जाईची मु जने साधारण महिला जे कि पूरा अति साधारण जो 4 वर्ष मु प्रत्येक सेशन ने मोर उपस्थापन रहीची मो जिला मयूरभंजवासी तथा ओडिशार एवं मो समाज आदिवासी वर्ग रेलवे कथा कहतु एयरपोर्ट कथा कहतु नेशनल हाईवे कथा कहतु सिमिलीपाल कथा कहतु सब क्षेत्र में मु सब बारंबार मोर जिला एवं राज्य एवं मोर समाज जिलावासी समस्त कथा मु दाबी को उपस्थापन करी एठी मध्य सुजोग पाइबी निश्चित भाव जो मु भावुची स्वाधीनता भाव सुजोग पाइबी मोर जिलावासी ओडिशावासी सेवा करिवारे गंजाम चिकिटी अंचल देशी मद पी 20 अधिक लोक असुस्थ होती दुईज अवस्था गुरुतर रही चिकिटी अंचल बेआईन देशी मद कारबार बढ़ुले भी अबकारी विभाग और पुलिस चुप बसवा समस्त आश्चर्य कर गंजाम रे काया मेलाउची देशी मद कारबार मिलुची अधिक राजस्व जांच हेउची कम डाक्तरखाना बेड रे पड़ीथिबा एही लोक कौनसी रोग रे आक्रांत होइनाहती बरम विषाक्त मद पी डाक्तरखाना रे छटपट हेउछती चिकिटीर जेनापुर कारबालुआ गाँव में विषाक्त मद पी 20 रु अधिक लोक एबे ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल रे जीवन सह संग्राम करुछती शस्तरे मद पी एभली दशा भोगिछंती लोके देशी मद पीवा परे झाड़ावंती सह मुंड बुलाइबा और पेटरे प्रबल जंत्रणा कारण समस्त मेडिकल ले भर्ती होइछंती पांचरा बेलू आसिलु आसिला टाइम रे बेले बेलू आइला बेलू घर को आइला झाड़ावंती सब हला मांदपुर बिलाड़ जाइलु बिलाड़ मांदपुर रे मद खाइलु मांदपुर 4टा बेलू गलु 5टा बेलू मद पी आइला बेलू 7टा बेलू इंदी घटना आला चिकिटी रे चली बेन मद कारबार अबकारी विभाग चुप बढ़ुची अपमिश्रण सोमवार रात्रि रे पुलिस अबकारी विभाग मिलित भाव चढ़ाऊ कर 4 जन को गिरफ्त कर यहाँ चिकिटीर जेनापुर और कारबालुआ गाँव में आज सका पहुंचला कनक न्यूज्र टीम गाँ सुनसान राति अध्याय चढ़ाऊ जो लोके भयभीत अवस्था अच्छा 30 वर्ष है चिकिटी अपमिश्रित मद कारबार चली देशी रंधा मदरे रासायनिक सामग्री मिशा जाउथबा अभियोग विपुल परिमाण बेन मद प्रस्तुत देशी मदरे पोड़ा बैटेरी गुंड मिशा जाउथबा अभियोग यह सत्वे स्थानीय अंचल अबकारी विभाग खाली लोक देखाणिया भाव चढ़ाऊ करुछि एबे विषाक्त मद पी लोके असुस्थ होबा परे तत्पर होइछि प्रशासन विभिन्न स्थान रेड करी वर्तमान जानिया को पाइलु जे से गाँव रण लोक से माने मद बिकुतले एवं सेही मदरे कौन जदि किछि मिसै थिवे सेतपई हेतै पारे आमे पूरा गंजाम जिला सारा से बाबद जहाँ पदक्षेप नवा कठोर कठोर पदक्षेप नबू एवं यही घटन जो माने संपृक्त अच्छा तांक बाबद कठोर पदक्षेप नब गंजाम जिला को देशी मद कारबार हब बोली कहुए आउ कालीर घटना परे अबकारी और पुलिस मिलित तो चढ़ाऊ कर 2000 लिटर पोचो और अपमिश्रित देशी मद जबत कर ब्रह्मपुर कैमेरा पर्सन सचिन वीरोत्तम साहू आलोक साहू और प्रदीप्त परीक्षा रिपोर्ट कनक न्यूज।
सरला राजू मंडल रांची स्थित भड़ाघर रेड छ घंटार रेड पर राजू को नहीं टीम बाहर भड़ाघर मोट पांचटी सीम बक्स 200 अधिक आक्टिव सीम और 20 अधिक अचल सीम जबत हो आज राजू को नहीं भुवनेश्वर फेर स्पेशल स्क्वाड भुवनेश्वर कटक पर झारखंड में सीम बक्स रही तदंतर जमापड़ा और यहाँ पर तदंतकारी टीम सहित अभियुक्त राजू मंडल को झारखंड नहीं था ए मामलार मुख्य अभियुक्त तथा मास्टरमाइंड असदुर जमान को गिरफ करने इंटरपोल सहायता नहीं कमिश्नरेट पुलिस भुवनेश्वर कटक्रु सीम बक्स मिलवा पर पांच दिनिया पुलिस रिमांड में रही राजू मंडल भुवनेश्वर कटक और झारखंड मोट 17 सीम बक्स जबत कर सारा पुलिस लीड अनुसार तार डिस्क्लोजर स्टेटमेंट अनुसार आम आज रांची तार जो रेंटेड हाउस था पांचटा सीम बक्स एक्टिवेटेड एंड इनएक्टिवेटेड सीम्स एवं अलग डिवाइसेस तार जहाँ इक्विपमेंट्स अच्छे आम सब जबत करूँ वी आर थैंकफुल टू झारखंड पुलिस फर एक्सटेडिंग अल दि हेल्प जहाँफल कि आम ए कमटा सुरखुरी करूँ द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन आउ जहाँ इन्वेस्टिगेशन आसव दैट विल बी इंटीमेटेड टू ओडिशा पुलिस यहाँ पर आई हुई थी एक एक्यूज्ड को रिमांड पर लेके आई थी उसके आधार पर यहाँ पर पांच सिम बॉक्स एक राउटर मशीन और उसके साथ उससे रिलेटेड सामान बरामद हुआ है ये उड़ीसा पुलिस का जो सूचना था उसी के आधार पर हम लोगों के द्वारा उनको सहयोग किया गया और जो बांग्लादेश का कनेक्शन के संबंध में आप लोगों के द्वारा पूछताछ किया गया उस संबंध में अंडर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी को रोकिबा पई संबलपुर रे खोलिला राज्यर प्रथम कंट्रोल रूम एथि पई 24 घंटिया कंट्रोल रूम आरंभ होईछि यार दायित्व रे 3 जने इंस्पेक्टर नियोजित अछन्ति शिफ्ट अनुसार 3 जने ड्यूटी करिवे कोनोसी लोक संदेह घर को आसीबा परे पुलिस जारी करथवा व्हाट्सएप नंबर रे जोगाजोग करबाकू जिलावासी को कहा जाइछि खबर मिलिबा मात्रे पुलिस तुरंत गोटे टीम घटनास्थल रे पहुंचि कि तदंत आरंभ करबो बांग्लादेशी को जगिबाकू संबलपुर पुलिस से भली पदक्षेप ग्रहण करछि संबलपुर एसपी मुकेश भामू का निर्देश अनुसार एपरी स्वतंत्र रणनीति ग्रहण कर समस्त नजर रखा 24 घंटिया कंट्रोल रूम खोल जा कंट्रोल रूम को सूचना आसवा मात्रे से अंचल एसडीपीओ को तुरंत सूचना देवे अभियोग होता प्रकृत व्यक्ति प्रकृत में बांग्लादेशी कि नुहे तार भी जांच कर तापरे बहुत आलिगेसन आसलार एसपी सांग आमर निर्देश मत गोटे आमर कंट्रोल रूम खोला है जो थे कि तीन टा इन्स्पेक्टर अच्छा आडिशनाल एसपी मैंने सुपरभाइज कर बाहर गोटे आमर 24 घंटा गोटे गाड़ीटे रोचे बहुत बहुत बढ़िया है स्वागत योग्य पदक्षेप कि गोटे जिनस इन कथा पड़ूँ समस्त आधार कार्ड जांच कर कहा हूँ समस्त आधार कार्ड में प्रायतः देखिए 90% हूँ मुर्शिदाबाद आस्त आधार कार्ड में कहार बापार ना अलग माँ ना अलग आत लगुच 99% फेक आधार कार्ड है सरकार को अनुरोध पुलिस प्रशासन के अनुरोध जैसे से जांच के करेंगे जानवे केन्द्रिकी यहाँ गोटे प्रश्न भी है आ भल कर तदारख कलापर ही उपयुक्त पदक्षेप नवार कथा आसंता 23 तारीख में भितर रत्नभंडारू स्थानांतरण हो खाली आलमीरा और सिंधुक राज्य सरकार का एसओपी अनुजाई यह स्थानांतरण हो 23 तारीख मध्याह्न गोटाए रु स्थानांतरण कार्य आरंभ हो समय सर्वसाधारण दर्शन बंद रीजी नीतिकांति सेवा पूजा व्याघात नक सिंधुक खाली आलमीरा स्थानांतर हो शुक्रवार पुणि खोल रत्नभंडार खाली सिंधुक और आलमीरा स्थानांतर भीतर रत्नभंडार अलंकार गणति मणति राज्य सरकार आउ एक पाद आगक बढ़ी आसंता 23 तारीख में भीतर रत्नभंडार खाली सिंधुक और आलमीरा गुड़िक स्थानांतर हो राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी अनुसार यह स्थानांतर होदीजी नीतिकांति व्याघात सृष्टि नक स्थानातरण करने को नीति निर्घंट स्थिर हो 23 तारीख शुक्रवार दिन एक घंटा ठारु सर्वसाधारण दर्शन बंद दिन दुईटे द्वितीय भोगमंडप शेष होगापर स्थानातर आरंभ हो स्थानातर सर जाए सर्वसाधारण दर्शन बंद खाली सिंधुक आलमीरा को नीलाद्री विहार म्यूजियम निकटस्थ एक घरे रखा महाप्रसाद कि सिंहद्वार पटे पाइस पहाँच दे आनंद बजार जी महाप्रसाद किणी उत्तर द्वारपटे प्रस्थान करें
ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରୁ ସିନ୍ଧୁକ ଆଲମିରା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କହିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ କହିବା ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହା କୋଠ ଶୁଆ ଶୁଆ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସିନ୍ଧୁକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବେ। କେବେ ହେବ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ? ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା। July 14 and 18 ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ଓ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଖାଲି ସିନ୍ଧୁକ ଓ ଆଲମିରା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏସ୍ଆଇର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଏସ୍ଆଇକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିନାହିଁ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରର ହେବ ଗଣତି ମଣତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଏଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲାଗିବ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ମାରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ନୀତିକି ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେପରି ଭାବରେ ଜଗମୋହନ ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା ସେହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। କାରଣ ଆମେ ଦିନ 2 ଟାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ, ପୁଣି 8ଟାରେ କରିକି ରାପ୍ତ ମାନେ ଅହରାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପବିତ୍ରଙ୍କ ସହ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରତିଟି ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର, ହଠାତ୍ ଦେହ ହାତ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଗଳା ଦରଜ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର, ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼, ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଭିତରେ ବି ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼, ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ତ କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ। ହଠାତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ହେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର, ହଠାତ୍ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଛିଙ୍କ କାଶ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବ୍ୟାପୁଛି। ସିଜିନରେ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ହୁଏ, ସିଜିନ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଭାଇରାଲ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ, ଲୋ ଗ୍ରେଡ୍ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପେ। ତାର ତ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାସ୍କ ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି ରୋଗ ସେମାନେ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀ 2-3 ଦିନ ଅତି କମ୍ରେ ସେମାନେ ତ ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ଜାଣିବା ଉଚିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଫିଭର କେସ୍ ଅଧିକ ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ ଆସିବେ, ଆସିକି ସେମାନେ ୟୁଜୁଆଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଡଭାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। କେବଳ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଦେହାତ ଗୋଳାବିନ୍ଧା ଓ ଗଳା ଦରଜ ରୋଗ। ଅନେକଙ୍କର କାଶ ଏତେ ଅଧିକ ଦିନ ରହୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଟାଇଫଏଡ୍ ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ଆଦିର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତି 100 ଜଣରେ 8 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡେଙ୍ଗୁର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ 2ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଜ୍ୱର ରହିଲେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଜ୍ୱର ହେଲା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କରିବେ କାହିଁକି, କାରଣ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ତାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍, ତାର ବେଶୀ ମୃତ୍ୟୁ ତାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହୁଏ। ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ତ ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟିଂ, ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କମିଯାଏ ଏବଂ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହୋଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟିସିମିଆ ହୁଏ, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ତାର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରତିଟି ଘରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।